और इतना मुश्किल काम नहीं है जिसको हम बनाएंगे। बेसिकली आज हम ये करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या आप ये कह सकते हो कि जिन चीज़ों की बिहाफ के ऊपर आपको कोई चीज़ करनी होती है, आप लोगों ने उसकी ईआर डायग्राम बनानी होती है। फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मेरी क्लास हो रही है, क्लास हो रही है, क्लास हो रही है, क्लास हो रही है। सर इतना स्पेशल बर्गर बनवा के लाए हैं, उसके आगे पीछे भी अंडा और इतना तो बर्गर है। ऊपर नीचे आगे नीचे ऊपर सीएस थर्ड की है। सर ये प्लीज गरम गरम खा लें, हमने बड़ी मोहब्बत से लाया एक सर। एक सर हमारे सर सुपरवाइजर सर, उनका हमारा ख्याल नहीं हुआ था किसका होगा। सही है, गरम गरम में ये खा लें। अरे उनको आने दो ना, बैंक से आ रहे हैं, आ जाए तो करते हैं। अच्छा ओ शिट, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही थी, याद ही नहीं रहा मेरे को। आज हम जिस डायग्राम के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एंटिटी रिलेशनल डायग्राम या एंटिटी रिलेशन डायग्राम। सम पीपल कॉल्ड इट एज एंटिटी रिलेशन डायग्राम, कुछ लोग इसको ईआर डायग्राम बोलते हैं। और अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरा एक दोस्त था जो फोत हो चुका है अब, वो इसको ईआरडी डायग्राम बोलता था। तो ईआरडी, अगर डी भी हम लोग एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हैं तो फिर जो है हम लोग डी नहीं यूज़ कर सकते, फिर हम लोगों को ईआर ही बनानी पड़ती है। अच्छा तो देखते हैं, सबसे पहले एंटिटी रिलेशनल डायग्राम क्या होती है। एक कॉन्सेप्शनल मॉडल होता है जो क्या करता है, जो आपके डेटाबेस का आपने लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया होता है वो उसको कन्वर्ट करता है ग्राफिकल स्ट्रक्चर में। मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि एक टेबल है स्टूडेंट का, उसके अंदर उसकी आईडी है, उसका रोल नंबर है, उसका मार्क्स है, तो ये वो चीज़ है जो मैं वर्बली आप लोगों को बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्शनली आप लोगों को बोल रहा हूँ। अब मेरी कही गई बात को या मेरी लिखी गई स्टेटमेंट को ग्राफिकल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करने को हम एंटिटी रिलेशन बोलते हैं, और चूंकि वो डायग्राम बेस्ड होती है तो हम उसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में होता क्या, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर हमारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि क्या रिलेशनशिप है आपस में और किस तरह का रिलेशनशिप है। जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उस ईआरडी के अंदर यूज़ होने वाले, वो उसको देख रहे होते हैं। अब ईआरडी जो है वो वाइडली यूज़ होती है, इवन कि आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि जब आप लोग अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करेंगे तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर जब आप एनालिसिस का सेक्शन करते हैं तो उसके अंदर आपको ईआरडी बनानी पड़ती है, और विदाउट ईआर डायग्राम कोई भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अच्छा सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, पता है कि मैं आज कॉलेज बैठा हुआ, काम था कोई तो लेट हो गया हूँ, तो सोचा इधर से क्लास ले लूँ, माजरत। अच्छा लेकिन मैं बताता हूँ, आंसर देता हूँ। अभी जब हम आगे बनाएंगे ना ईआर तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हम ईआर डायग्राम जो है उसके अंदर बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे। हम ईआर बनाने तो लगे हैं लेकिन जब हम लोगों को यही नहीं पता होगा कि ईआर डायग्राम बनती किस तरह, तो हम उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को 999% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि टर्मिनल के पेपर के अंदर एक ईआर डायग्राम लाजमी है, ये आनी आनी है, क्योंकि ये बेसिक कंपोनेंट है डाटाबेस का और जिसकी वजह से ही हम लोग डाटाबेस पढ़ते हैं। अगर मैं सिंपली बोलूँ, ईआर डायग्राम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, एंटिटी या एंटिटी सेट्स जिसको हम बोलते हैं, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स के बाद हम उसके रिलेशनशिप्स बनाते हैं। हम सबसे पहले एंटिटी रिलेशन डायग्राम के अंदर देखते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास जो है वो एक टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट का टेबल है, जिसके अंदर रोल नंबर है, उसका नाम और उसका एज है। अब रोल नंबर नेम एज कम्बाइनली मिलके स्टूडेंट एंटिटी सेट बनाते हैं, क्योंकि ये एंटिटी सेट किसका, स्टूडेंट का है, दैट इज़ द रीज़न वी कॉल्ड इट एज स्टूडेंट एंटिटी सेट। जनरली जब हम बात करेंगे तो हम लोग ये बोलेंगे कि एंटिटी सेट जो होता है वो बेसिकली ओवरऑल रिकॉर्ड होता है किसी भी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर, यानी टेबल के फॉर्म में, ठीक है। और उसकी एक एक रो जो होती है वह किसी एंटिटी को शो कर रही होती है। मिसाल के तौर पर रोल नंबर 1 है अक्षय का
और इसकी एज जो है वो 20 है, तो हम ये कह सकते हैं कि वन अक्षय 20 यानी जो एक रो के अंदर बात आ रही है हम उसको एंटिटी बोलेंगे, एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर इन द टेबुलर फॉर्मेट इज कॉल्ड एंटिटी सेट। एज दैट इज एंटिटी सेट इज रेलिवेंट टू द स्टूडेंट डिपार्टमेंट या स्टूडेंट से रेलिवेंट है, दैट इज द रीजन वी कॉल्ड इट एज स्टूडेंट एंटिटी सेट। मिसाल के तौर पर अगर आज मैं आपके सामने एक टेबल शो करूं जिसमें फैकल्टी आईडी नंबर, फैकल्टी नेम और फैकल्टी सब्जेक्ट्स लिखे हों, तो फिर मैं ये बोलूंगा ये फैकल्टी एंटिटी सेट है। सेट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। एंटिटी किसे कहते हैं? किसी चीज़ जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है किसी चीज़ को। अब सवाल ये आता है कि ईआर डायग्राम को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। ये देखें, ये मेरा टेबल था अक्षय, राहुल, पूजा और आरती, ठीक है, जिनकी कुछ एजेस लिखी हुई थी और साथ उनके रोल नंबर्स लिखे हुए थे। तो जब मैं इसको ईआर में शिफ्ट करूंगा तो मैं अपनी एंटिटी को रेक्टेंगुलर शेप के अंदर शो करूंगा। मेरी एंटिटी का नाम क्या था, ये सब किस चीज़ से रेलिवेंट था, स्टूडेंट से रेलिवेंट था, तो मैंने लिखा स्टूडेंट। अब इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? नंबर वन रोल नंबर, नंबर टू नेम और नंबर थ्री एज। इसका मतलब है कि वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट एन एट्रीब्यूट्स वी हैव टू राइट इन द ओवल फॉर्मेट, यानी हमें उसको ओवल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। एंड वेन एवर वी राइट वॉन्ट टू राइट एंटिटी वी हैव टू राइट इट इन अ रेक्टेंगुलर शेप, जिस तरह स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो अगर मैं अभी आप लोगों से ये बोलूं कि उनको बोलो दोबारा क्लिक करें, मोना हान जो भी हैं, ये मुझे नाम नहीं पता इनका। अच्छा, तो ये चीज़ है कि जो एंटिटीज होती हैं वी विल ऑलवेज रिप्रेजेंट इट इन अ रेक्टेंगुलर शेप, एंड जो हमारी होती हैं एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे नेम, रोल नंबर, एज, वो जो है हमारा हम लोग क्या करते हैं ओवल फॉर्मेट में लिखते हैं। कंफर्म? आगे मूव करूं? मुझे इतना बता दें, इतना समय लगी है पहले सबको? ओके ओके, नेक्स्ट इसे देखते हैं कि जब हम ईआर डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें प्राइमरी की कैसे रखते हैं। देखो, सबसे पहले चीज देखने वाली बात यह है कि प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है पूरे के पूरे टेबल को। अभी हम अपने कॉलेज के सीएमएस की बात करते हैं। हमारे कॉलेज के सीएमएस के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबकी मुख्तलिफ है, जिसके बिहाफ के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये चीज़ रिपीट नहीं हो सकती। हाँ जी, सीएमएस पे क्या चीज़ हो सकती है हमारी? हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर। किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट के नाम से दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर से सेम नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंट है। चले जी, हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर को छोड़कर हम एक बार सोचते हैं कि चलो नाम अगर हम प्राइमरी की रखें। बट एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, आप ही क्लास के अंदर भी एक लड़का है मुबीन यासीन, और सी एस सिक्स के अंदर भी एक लड़का है मौजूद है मुबीन यासीन, तो ये तो रेप्लिकेशन हो गई। और हम लोगों ने प्राइमरी की के बारे में पढ़ा था कि प्राइमरी की वो उस एट्रीब्यूट को रखा जाता है जो यूनिकली आइडेंटिफाइडेबल हो, ठीक है, यानी जो रेपिटेशन में ना आ रहा हो। तो उस हिसाब से ज़्यादातर जो आईडीज़ होती हैं या फैकल्टी नंबर जो होते हैं वो बेसिकली हम ये कहते हैं कि हमारा जो है वो होता है प्राइमरी की होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्या एज हो सकती है प्राइमरी की? नहीं, क्योंकि शायद आपकी क्लास के अंदर से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी उम्र 18 साल होगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी उम्र 25 साल होगी, तो ये चीज़ तो रेपिटेशन में आ गई। तो जो रोल नंबर है करंट सिनेरियो के अंदर वो एक ऐसी चीज़ है जो रेपिटेशन में नहीं आ रही और यूनिकली आइडेंटिफाइडेबल है। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब है कि वो यूनिक है सब रिकॉर्ड्स के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रोल नंबर है वो हमारा क्या होगा? प्राइमरी की होगी। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी कि कौन कौन से सिंबल्स जो है हमारे ईआर डायग्राम को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से व्हाट आर द सिंबल्स विच आर यूज फॉर द एंटिटी रिलेशन डायग्राम, ठीक है। हर सिंबल का एक अपना मतलब होता है, हर पोर्शन का मतलब होता है, हर पोर्शन का एक अपना टास्क होता है, और वो टास्क जो होता है वो ओवरलैप नहीं कर सकता किसी दूसरे के साथ।
सिंबल या सेट्स देखने से पहले हम देखते हैं कि एंटिटी सेट क्या होता है. लिखा हुआ है एंटिटी सेट इज द सेट ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एंटिटीज. सेम टाइप ऑफ एंटिटीज का मतलब भी यही है कि एंटिटी सेट के अंदर ही होगा कि सेम टाइप की एंटिटीज पड़ी होंगी. जिस तरह जब हम लोगों ने स्टूडेंट का देखा तो रोल नंबर, उसका नाम, उसकी एज, तो सेम टाइप की एंटिटीज हैं, ये एक ही डोमेन से रेलिवेंट है. ठीक है. अच्छा जी, अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं. नंबर वन है हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी और नंबर टू है हमारी वीक एंटिटी. एंटिटी की दो टाइप्स होती हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी. ठीक है. स्ट्रॉन्ग एंटिटी देखते हैं क्या चीज होती है. स्ट्रॉन्ग एंटिटी लव से पता चल रहा है वो आइडेंटिटी या वो सॉरी एंटिटी जिसको एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े. ठीक है. और जो खुद एक प्राइमरी की शो करती हो, जो खुद एक एज अ रोल प्ले कर रही हो उस पूरे डेटाबेस के अंदर. ठीक है. तो हम लोग उसको सिंगल रेक्टेंगुलर की तरह शो करते हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ. अच्छा, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को समझ लग जाएगी. वीक एंटिटी, वीक एंटिटी वो एंटिटी होती है जिसकी कोई अपनी प्राइमरी की नहीं होती और ना ही वो किसी एग्जिस्ट कर सकती है अकेले. ठीक है. और उसको हम लोग डबल रेक्टेंगल के थ्रू शो करते हैं. मेरे माउस की तरफ ध्यान दीजिएगा. स्ट्रॉन्ग एंटिटी दैट पोजेसेस इट्स ओन प्राइमरी की, उसकी एक अपनी प्राइमरी की होगी. वीक एंटिटी सेट्स कौन से होंगे, वो एंटिटी सेट्स होंगे जिनकी अपनी कोई प्राइमरी की नहीं होती. ठीक है. इसकी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बड़े अच्छे से देता हूँ. देखो, आप लोगों का रोल नंबर या आपका CMS का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है. क्यों? क्योंकि वो इटसेल्फ एक प्राइमरी की है, नंबर एक. और नंबर दो चीज़ ये है कि उसको एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही. लेकिन अच्छा, इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है वीक एंटिटी की? वीक एंटिटी की सबसे अच्छी एग्जांपल जो मेरे माइंड में इस वक्त आ रही है वो है लाइव आना. लाइव तो नहीं कह सकते आप लोग, एड्रेस. एड्रेस में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं. मिसाल के तौर पर आपका मकान नंबर, आपका गली नंबर, आप किस सेक्टर में रहते हो, आप किस ज़िले में रहते हो, ये सारी चीज़ें मिलके एक एंटिटी को डिफाइन करती हैं. तो इसका मतलब है कि एड्रेस इटसेल्फ जो है वो वीक एंटिटी है. बट ये उस सूरत में है जब आपका एड्रेस इस तरीके का हो, या अगर मेरे डेटाबेस में ये बहुत ज़रूरी है कि मैं फर्स्ट नेम भी लूँ और लास्ट नेम भी लूँ, तो नेम उस सूरत में मेरी वीक एंटिटी होगी. क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी की नहीं हो सकती. फर्स्ट नेम ऊपर अलग होगा और वाइड ना जो हमारा लास्ट नेम होगा मैं अलग मांगना पड़ेगा. रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बेसिकली दो एंटिटीज़ के बीच में ये बताता है कि दो एंटिटीज़ का आपस में रिश्ता क्या है. सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंटिटीज. एक मिनट होल्ड करना. हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप सेट्स के बारे में. रिलेशनशिप कैसे होते हैं? रिलेशनशिप भी दो तरह के हो सकते हैं. या तो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो सकता है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का रिलेशनशिप विद मार्क्स. मैं आप भी आपको ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ. वीक रिलेशनशिप सेट क्या हो सकता है? स्टूडेंट का रिलेशनशिप कॉलेज के लाइब्रेरियन के साथ, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती उस सूरत में. ठीक है. तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि हमारा वो रिलेशनशिप सेट में आता है. अच्छा, ये भी आप देखेंगे हम रिलेशनशिप सेट क्या होता है. जो दो एंटिटीज़ के बीच में अगर रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो, डायरेक्टली आपस में इंटरलिंक्ड हो, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रांग रिलेशनशिप सेट. उसको हम लोग सिंगल डायमंड के थ्रू शो करते हैं. ये देखो, वीक रिलेशनशिप क्या चीज़ होती है? एक ऐसा रिलेशनशिप सेट जो बेसिकली बहुत वीक एंटिटी के साथ रिलेट कर रहा हो, मतलब वीक हो बहुत ज़्यादा, उस सूरत में हम लोग उसको वीक रिलेशनशिप सेट बोलेंगे. और उसको हम लोग क्या करते हैं, वीक आइडेंटिफायर या रिलेशनशिप इस तरह यहाँ पे शो होता है. ठीक है. तो ये हमारा पार्ट नंबर वन था जिसके अंदर हम लोगों ने एक चीज पढ़नी थी, हम दूसरी चीज भी पढ़ेंगे आज. थोड़ा और ब्रीफ जाएंगे.
नेक्स्ट हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स बेसिकली हम यह कह सकते हैं कि एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं. एंटिटी के एट्रीब्यूट्स किस तरह होते हैं, इनका क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, अभी हम देखते हैं. देखो एट्रीब्यूट्स की हम पहले देख लेते हैं कि ईआर डायग्राम के अंदर हम ये सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं. सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट और डिराइव एट्रीब्यूट. ये बहुत आसान है, अभी आप देखेंगे तो आपको आराम से समझ लग जाएगी. नंबर वन है हमारा सिंपल एट्रीब्यूट. ऐसे सब एट्रीब्यूट्स जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते. मिसाल के तौर पर आपका रोल नंबर, ये रोल नंबर इटसेल्फ एक एट्रीब्यूट है जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. क्लास है, अगर आपकी मिसाल के तौर पे क्लास है सी एस थर्ड, तो सी एस थर्ड को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. अगर आपकी उम्र 18 है तो 18 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. सो दैट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स वी कॉन्ट एबल टू डिवाइड इन टू फर्दर पीसीज, दैट इज कॉल्ड सिंपल एट्रीब्यूट. कंपोजिट एट्रीब्यूट की बात करते हैं, ऐसे सब एट्रीब्यूट्स जिनको आगे हम फर्दर डिवाइड करना ज़रूरी होता है. मिसाल के तौर पर हमारी करंट एग्जांपल के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ. अगर हम फुल स्क्रीन ये देखेंगे तो स्टूडेंट के अंदर जो रोल नंबर है, ये मेरे माउस की तरफ रोल नंबर जो है, ये तो हमारा सिंगल एट्रीब्यूट है. बट एड्रेस इज द कंपोजिट एट्रीब्यूट, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि एड्रेस के एट्रीब्यूट को हासिल करने के लिए हम लोगों के पास स्ट्रीट, सिटी, कंट्री और स्टेट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. सो वी कैन से दैट दोज काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स विच आर नीडेड टू बी डिवाइडेड इनटू द फर्दर पीसीज इन ऑर्डर फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द ईआर डायग्राम आर कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तो इसमें जो अब देखें, हमारा एड्रेस भी और नेम भी हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट है. किसी का नेम के लिए हमें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट नेम चाहिए, मिडिल नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए. अच्छा, ये जो नेम, इसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जो है हमारे, जाहिर सी बात है नेम फर्दर डिवाइड हो गया. सो वी कैन से दैट नेम एंड एड्रेस आर बोथ आर द कंपोजिट एट्रीब्यूट. उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट. ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सिंगल वैल्यू होते हैं? ठीक है, अभी देखें, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट विच कैन टेक ओनली वन वैल्यू फॉर द गिवन एंटिटी. ठीक है, सिंपल मतलब ये है कि वो सब एट्रीब्यूट्स जो सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकते हों, हम उसको सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट बोलते हैं. मिसाल के तौर पर अगर हम रोल नंबर की बात करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि रोल नंबर दो हो या तीन हो किसी एक बंदे के, रोल नंबर एक ही होगा. इसी तरह अगर हम एज की बात करें तो एक स्टूडेंट की एज एक ही हो सकती है, एक से ज़ायद नहीं हो सकती. इसी तरह अगर हम लोग डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की बात करें तो या तो वो मेल हो सकता है या वो फीमेल हो सकती है, दोनों नहीं हो सकते. इसी तरह जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होती है, सेम वो भी सिचुएशन ऐसी है कि डेट ऑफ बर्थ अगर शाहजेब की है तो वो एक ही रहेगी. ऐसा नहीं है कि शाहजेब की दो डेट ऑफ बर्थ हो. तो हम कह सकते हैं कि ऑल दोज एट्रीब्यूट्स हु हैव सेम सिंगल वैल्यू टू इंसर्ट इन इट, हम वो कह सकते हैं कि हमारी वो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होता है. मल्टी वैल्यू, ऐसी वैल्यूज जो हम एक से ज़्यादा ले सकते हो. नाम से आप कोई डायग्राम से देख के पता चल गया होगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है हमारी, वो मल्टीपल वैल्यू और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है. क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर किसी एक शख्स का एक से ज़ायद भी हो सकते हैं और ईमेल आईडीज भी तो हम लोगों की चार चार पांच पांच होती हैं, लेकिन हमारी उम्र एक बंदे की एक ही होती है और रोल नंबर भी एक ही रहता है. सो वी कैन से दैट ऑल दोज एट्रीब्यूट्स हु हैव मोर देन वन वैल्यूज टू इंसर्ट इन इट, वी कॉल्ड इट एज अ मल्टी वैल्यू या मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स. ठीक है, डिराइव एट्रीब्यूट्स, ऐसे सब एट्रीब्यूट्स जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव हो रहे हों. मिसाल के तौर पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हो तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उसको कैलकुलेट करके बता देता है कि आपकी उम्र इतनी है. तो उस सिनेरियो में हमारी जो एज है वो बेसिकली डिराइव एट्रीब्यूट है. क्यों? क्योंकि डिराइव एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जो डेट ऑफ बर्थ से डिराइव होकर आया है. ठीक है, इसी तरह अगर मैं तो हम डिराइव एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं वो एट्रीब्यूट्स जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव होते हैं, यानी जो खुद आप जिनकी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है किसी दूसरे पे. अच्छा, एज की तो मैंने एग्जांपल दी, इसके अलावा हमारे पास क्या एग्जांपल हो सकती है डिराइव एट्रीब्यूट की? मिसाल के तौर पर ये मेरा जो टेबल है सेमेस्टर्स का, और मैंने सब मार्क्स, मतलब इंग्लिश,
कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स और यहाँ पे लिखा हुआ जीपीए। तो जीपीए का जो बेसिकली एट्रीब्यूट है वो डिपेंड कर रहा है डेट ऑफ सॉरी इन तीनों के मार्क्स के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं उस सूरत में कि हमारा जो मार्क्स का जो हमारा एट्रीब्यूट है दैट इज कॉल्ड अ डिराइव एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट जिस तरह हम लोगों ने प्राइमरी की पढ़ी थी, तो की एट्रीब्यूट भी वो एट्रीब्यूट होगा जो यूनिकली आइडेंटिफाइबल होगा। और हमारे हर सूरत में मैंने बोला था कि रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर्स होते हैं वो मोस्टली हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, हमारे वो की एट्रीब्यूट और प्राइमरी की होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि दो एट्रीब्यूट विच है प्राइमरी की इज कॉल्ड की एट्रीब्यूट। अभी हम लोगों ने कुछ बात की है, हम लोग सिंबल्स की तरफ देख लेते हैं। मेरे माउस की तरफ ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले जो हमारा सिंगल रेक्टेंगुलर है उसको एंटिटी बोलते हैं, जब डबल रेक्टेंगल हो जाता है तो हमारी वो वीक एंटिटी हो जाती है, और इसको हम लोग स्ट्रांग एंटिटी भी बोलते हैं। एंड स्ट्रांग एंटिटी और एंटिटी का सिंबल सेम होता है। इसी तरह स्ट्रांग रिलेशनशिप का डायमंड होता है और रिलेशनशिप का भी डायमंड होता है, हम ये डालते हैं। लेकिन जब हमारे पास वीक रिलेशनशिप हो तो हम लोग क्या करते हैं, डबल डायमंड बना लेते हैं। एट्रीब्यूट की तरफ देखते हैं, एट्रीब्यूट हमारा क्या होता है, इस तरह का होता है, ओवल का होता है। की एट्रीब्यूट जैसे प्राइमरी की के नीचे लाइन होती है, हमारे पास की एट्रीब्यूट के नीचे भी लाइन होती है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट दो जो होते हैं हमारे पास गोल दायरे आते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो मिसाल के तौर पे देखो यहाँ पे एड्रेस था तो यहाँ पे स्ट्रीट था सिटी था, तो इस तरह के होते हैं। डिराइव एट्रीब्यूट्स बेसिकली डॉटेड लाइन के थ्रू शो होते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप देख लेते हैं बच्चों, पार्टिसिपेशन देखते हैं। एंटिटी वन का एंटिटी टू के साथ वन टू मैनी का रिलेशन है। ठीक है, अभी आप इस चीज को ज्यादा फोकस ना करो। एंटिटी वन का एंटिटी टू के साथ एक से लेके वन टू एंड मैनी का रिलेशन है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट को हम लोग फिलहाल निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो हम स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने रिलेशनशिप्स तो बना दिए, लेकिन स्कीमा को नेम देना बहुत जरूरी है। नाम इस तरीके का होना चाहिए रिलेशनशिप का जो बता सके, एंटिटी का नाम इस तरह का होना चाहिए, रिलेशनशिप का नाम इस तरीके का होना चाहिए जो बता सके कि बेसिकली वो रिलेशनशिप या वो एंटिटी क्या कर रही है। नाम रखते हुए हम लोगों ने उसको मतलब उसका जो होता है वो बहुत जरूरी मद्देनजर रखना होता है। नॉर्मली हम लोग सिंगुलर नेम्स रखते हैं एंटिटी के लिए, हम लोग जमा मतलब स्टूडेंट्स नहीं लिखते, स्टूडेंट लिखते हैं। हम लोग फैकल्टीज नहीं लिखते, फैकल्टी लिखते एंटिटी के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग अल्टरनेटिव रिफाइनमेंट प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले डिज़ाइन बनाते हैं हम लोग उस चीज़ का। हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसको मॉड्यूल देखे, हम उसके एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, उसके रिलेशनशिप सेट करते हैं, फिर हम लोग एंटिटी टाइप्स बनाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी इनवर्स हम लोग इसकी रिफाइनमेंट करते रहते हैं बार बार रिवर्स करके, तब तक के लिए हमारे पास एक्यूरेट चीज़ ना आ जाए। तो ये था आप लोगों का लेक्चर, होप सो आप लोगों को समझ लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।